हेलो दोस्तों, मैं हूं मुनीश देवगन। सनी देओल और गौतम गंभीर में कई बातें कॉमन हैं। पहली ये कि दोनों ने पहले बीजेपी ज्वाइन की, दूसरी ये कि दोनों को बीजेपी का टिकट मिला, और तीसरी ये कि दोनों बीजेपी के टिकट से भारी मतों से सांसद चुन लिए गए। एक बात और कॉमन है और वो है पाकिस्तान। सनी देओल ने जहाँ फिल्मों में पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ाए, वहीं गौतम गंभीर भी कई बार मैदान पर पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ियों से भिड़ते हुए नजर आए। खैर, ये तो पुरानी बातें हैं, लेकिन नया कॉमन फैक्टर जो दोनों को एक कर सकता है वो ये कि क्या मोदी सरकार पार्ट टू में दोनों मंत्री बन सकते हैं, या दोनों में से किसी एक की लॉटरी लग सकती है। बीजेपी से जुड़े कुछ सूत्रों की माने तो गौतम गंभीर का दावा इस बार मजबूत है। गौतम गंभीर ने ईस्ट दिल्ली से चुनाव जीता है और केजरीवाल के खिलाफ वो जमकर हमला बोल रहे हैं। चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लेकिन देश आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन जिस दिन आप अपना जमीर और अपना ईमान हार जाएंगे ना, उस दिन आप सब कुछ हार जाएंगे। एक सीट जीतने के लिए, एक इलेक्शन जीतने के लिए अगर आप ऐसा घिनौना आरोप लगा सकते हैं तो मेरे पास कोई ज्यादा शब्द ही नहीं रह गए थे उनके बारे में बात करने के लिए। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भी गौतम गंभीर अक्सर ट्विटर पर सक्रिय रहते हैं। वहीं अगर सनी देओल की बात करें तो सनी पाजी जहां से जीत कर आए हैं वहां पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहीं से कुछ किलोमीटर दूर सिखों का ऐतिहासिक करतारपुर गुरुद्वारा भी है। पिछली मोदी सरकार में पंजाब कोटे से बीजेपी से मंत्री विजय सांपला थे, जिनको इस बार होशियारपुर से टिकट ही नहीं दिया गया। सिद्धू के बीजेपी छोड़ जाने से बीजेपी सनी देओल को एक सिख नेता के रूप में भी स्थापित कर सकती है। इस बात से सनी देओल का दावा और भी मजबूत होता है। अक्सर आपने सनी देओल को कहते हुए सुना होगा कि वो अपने संसदीय शहर गुरदासपुर को सबसे अच्छा बनाएंगे। आइए आपको सुनाते हैं कि सनी देओल ने जीतने के बाद क्या कहा था। मैं बहुत खुश हूँ और मोदी जी जीत रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पर मैं जीत रहा हूँ, मुझे पूरा यकीन था कि यहाँ के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और मुझे जरूर जिताएंगे। अब इसके बाद बात ये रही कि मैं उनके साथ जुड़कर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बहुत अच्छी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाऊंगा। आपको बता दें दोस्तों कि सनी देओल ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पीएम मोदी से मुलाकात की थी, ये उसके बाद की ही तस्वीर है। उसके बाद सनी देओल को एक बड़ा संदेश दिया गया था, उन्होंने बीजेपी का टिकट लिया और पंजाब के सबसे कद्दावर नेता सुनील जाखड़ को हराया। भले ही सनी देओल और गौतम गंभीर का नाम केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में सामने आ रहा हो, लेकिन इस पे अंतिम मोहर बीजेपी हाईकमान ही लगाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और हमारा चैनल दिल्ली तक आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।